नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश में लेके जा रहे हैं जहां सेक्स करने के लिए दी जाती है एक दिन की छुट्टी। ये देश दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसके बॉर्डर 14 देशों को छूते हैं। इसी के साथ मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज इसको एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं हमारी कंट्री रशिया के बारे में। आप एक बात तो मानती होंगी कि अगर देश एक है तो सभी शहरों में एक ही समय पर रात होगी और एक ही समय पर सुबह भी। मगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ 11 टाइम जोन है और यहाँ के लोग सुबह का नाश्ता और रात का खाना एक साथ खाते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा। यही नहीं, यहाँ तो आधे हिस्से में दिन रहता है तो आधे हिस्से में रात रहती है। लेकिन ये सच है, हम बात कर रहे हैं दुनिया का सबसे ताकतवर देश रूस की। दुनिया में रूस ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ सुबह और रात साथ होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार मई महीने से लेकर जुलाई के बीच लगभग 76 दिनों तक रूस में यही सिलसिला चलता है। लिहाजा रशिया को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। बहुत से लोग इस बात से अनजान होंगे कि रूस को फादर ऑफ वोडका भी कहते हैं। जी हाँ, वोडका का इस्तेमाल सबसे पहले रूस में ही किया गया था। इस देश के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, मतलब यहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व है। एक समय ऐसा भी था जब लोग दाढ़ी नहीं रख सकते थे, नियम तोड़ने पर यहाँ भारी टैक्स लगता था। रूस में शराब बहुत पी जाती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ शराब पीने के कारण हर साल लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस में जानवरों को न केवल बहुत प्यार दिया जाता है बल्कि उनका खास ख्याल भी रखा जाता है। यहाँ इंसानों के पास बेशक घर ना हो रहने को, लेकिन यहाँ लोमड़ी के रहने के लिए अलग से घर की व्यवस्था की जाती है। रूस का एक अनोखा शहर है मर्मस्क। जिस समय यहाँ लंबी गर्मियाँ आती हैं तो यहाँ दिन और रात का एहसास होना बंद हो जाता है, सूरज बहुत तेज हो जाता है और लोग दिन और रात का एहसास भी भूल जाते हैं। यह रूस का एक ऐसा शहर है जहां सूरज कभी नहीं डूबता बल्कि बस आसमान में चक्कर लगाता है। रूस में सेक्स करने के लिए दी जाती है एक दिन की छुट्टी। रूस में हर साल 12 सितंबर को लोगों को ऑफिस की छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपने पार्टनर के साथ में समय बिता सकें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस देश में बर्थ रेट को बढ़ाया जा सके। इससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि अगर इस दिन से ठीक 9 महीने बाद किसी का बच्चा होता है तो उसे कंपनी की तरफ से कैश प्राइस के अलावा कार या फ्रिज भी गिफ्ट किए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार करीब 8,500 रूसिया के पास है। रूसिया दुनिया के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भी है। रूस के पास इसराब बॉम्बो हाइड्रोजन बम है जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम है। इसराब बॉम्बो की अद्भुत मारक क्षमता को अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह हिरोशिमा नागासाकी में प्रयोग हुए एटम बम से 1400 गुना अधिक पावरफुल है। यह एक अकेला बम दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किए कुल बमों के 10 गुने के बराबर असर पैदा कर सकता है। रूसिया दुनिया का थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला देश है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस में औरतों की संख्या आदमियों से ज्यादा है। यहाँ पर आदमी की आबादी से 1.25 करोड़ ज्यादा औरतें हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारी संख्या में पुरुषों के मारे जाने से ये स्थिति हुई है। दुनिया के कुल सोने का करीब 40% स्रोत रूसिया के पास है। रूसिया का क्षेत्रफल 17.13 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से रूसिया यूएसए के करीब 2 गुना बड़ा है। रूसिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर 11 अलग अलग टाइम जोन है जो एक ही कंट्री में अलग अलग होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी नदियों में से 4 रूस में ही है।
रशिया की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है, जिसकी लंबाई 3690 किलोमीटर है और इस नदी में 200 से ज्यादा धाराएं मिलती हैं। दुनिया में पाए जाने वाले कुल जंगल का पांचवा हिस्सा रूसिया में साइबेरिया के जंगल कवर करते हैं। रूस का करीब 60% भाग बस जंगल ही है। शायद ही आपको मालूम होगा कि रूसिया में दुनिया के हजारों कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए गए हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर, टैप रिकॉर्डर, हेलीकॉप्टर, सिंथेटिक रबड़, आर्क वेल्डिंग, रेडिएटर, टेलीग्राफ, मिल्क पाउडर आदि। रूस की साक्षरता दर बहुत अधिक है, यहाँ करीब 99.7 लोग पढ़े लिखे हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसको पढ़ना लिखना ना आता हो। रशिया दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसकी बॉर्डर 14 देशों को छूते हों। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन द ट्रेन सिबेरियन रेलवे रशिया में ही है। अगर आप भी विदेश जाने के ट्रिप पर हैं, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ चुनिंदा जगह जरूर बताएंगे। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को दुनिया का बहुत ही खूबसूरत शहरों में से एक है। इस शहर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ बहुत ही मशहूर इमारतों जैसे क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स, रेड स्क्वायर, सेंट विसिल कैथेड्रल अपनी बनावट के लिए मशहूर है। मॉस्को पढ़ाई, साहित्य और संस्कृति का एक बेहतरीन गढ़ है। सेंट पीटर्सबर्ग, इस शहर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे लेनिनग्रेड और पेट्रोग्रेड। इस शहर में बहुत सी मशहूर इमारतें जैसे हिमटेज म्यूजियम, विंटर पैलेस मशहूर है। यह शहर इसलिए भी खास है क्योंकि गर्मियों में यहाँ सूरज सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए डूबता है और रात भर उजाला ही होता है। निजनी नोवगोरोड सोवियत के शासन के दौरान इस शहर को गोर्की के नाम से जाना जाता था। यह नाम उस दौरान में एक मशहूर रूसी लेखक के नाम पर रखा गया था। आज भी गोर्की के घर जाकर उनके सामानों को करीब से देखा जा सकता है। नोवोसिबिर्स्क, साइबेरिया की राजधानी और रूस का तीसरा सबसे मशहूर, युवाओं को तो बहुत पसंद आता है। यहाँ की सर्दियाँ बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं और इस दौरान यहाँ स्कीइंग और बर्फ के खेल बहुत मशहूर होते हैं। याकातरिनबर्ग, यूराल पर्वतों के बहुत करीब बसा यह शहर एशिया और यूरोप के बॉर्डर के भी बहुत करीब है। यह शहर इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ रूस के तसार और उनके परिवार 1918 में अपनी जान गंवाई थी। यहाँ का क्वार्टी म्यूजियम भी बहुत मशहूर है। यहाँ सफेद पत्थरों में बने कीबोर्ड हैं। तो ये था वीडियो रूसिया कंट्री के बारे में। आपको आज का सफर कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। साथ में मेरे फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो से कुछ हटकर नॉलेज मिली हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।